प्रदेश में स्नातक एवं शिक्षक चुनाव में समस्त सीटों पर जीत का दावा बीजेपी के पूर्व उप ऊर्जा मंत्री बीजेपी के हैदरगढ़ विधायक ने पहले ही कर दिया है। पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश में बीजेपी का ही परचम लहराएगा। मोदी है तो सब मुमकिन है, योगी है तो सब मुमकिन है। बिहार में हुए चुनाव में कांग्रेसियों को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। नव भारत समाचार लखनऊ उत्तर प्रदेश से जितेंद्र शुक्ला। गए थे सदर कार्यवाही देखने तो वहाँ मानी जी ने जो है क्वेश्चन किया कि जो है जो अध्यापक दूर से आते सुल्तानपुर से और उनकी जो है उनके होम ब्लॉक में ये आज जो चुनाव हो रहा है MLC का और शिक्षक वाला, तो क्या है मामला यहाँ पे, क्या किसकी बढ़त देखी जा रही है? देखो, भारतीय संविधान की रचना जब हुई तो हर वर्ग के व्यक्ति का प्रतिनिधित्व हो, इसलिए ये विधान परिषद की स्थापना हुई। क्योंकि विधानसभा में पब्लिक के निर्वाचित लोग आते हैं और वो व्यक्ति जो साहित्यकार हैं, कलाकार हैं, विद्वान हैं और वो चुनाव नहीं जीत सकते, नहीं लड़ सकते, उनको स्थान देने के लिए और हर वर्ग का विधान परिषद में प्रतिनिधित्व देने के लिए ये रचना की गई। तो आज हमारा स्नातक जो हमारे लोग हैं उनका आज एक प्रतिनिधि चुना जा गया MLC के रूप में, उसका वोट है। और दूसरा जो शिक्षक हैं उनका एक प्रतिनिधि चुना जाना है, इसलिए हम आज कहते हैं कि शिक्षक MLC का चुनाव है और स्नातक MLC का चुनाव है। इसमें हमारे उमेश द्विवेदी शिक्षक के लिए और स्नातक के लिए अवनीश पटेल चुनाव मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी पहली बार चुनाव लड़ने जा रही है और आज पूरी कमर कस के चुनाव मैदान में उतरी है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और जितना भी हमारा संगठन का पदाधिकारी है, विधायक हो चाहे सांसद हो, संगठन और कार्यकर्ता सब पूरी ताकत के साथ अपने दोनों प्रत्याशियों को जिताने के लिए कमर कस ली है। और पूरे उत्तर प्रदेश में जो 11 चुनाव होते हैं, 11 सीट जीतने का लक्ष्य हमारा है और चुनाव जीतेंगे भी। फिर जो है मतलब बीजेपी का डंका बजेगा और बहुत अच्छी जीत जो है मतलब मिलेगी और काफ़ी जो है मजबूत होगी बीजेपी। हाँ, वो परिणाम भी बताते हैं कि जब आम चुनाव हुआ उसमें 6 परिणाम आए, भाजपा के पक्ष में आए, कोई टक्कर में नहीं रहा। फिर लोकसभा का चुनाव जो है 19 में हुआ, उसमें भी एक तरफा हुआ, भारतीय जनता पार्टी जीती। फिर उसके बाद उपचुनाव जब हुए तब विपक्ष ने बड़ा हंगामा किया कि अब गए तब गए, तो जब उपचुनाव हुए उसमें भी 7 सीटों में से हमने 6 जीत ली। तो और पूरे भारत भर में जितने चुनाव हुए समय भाजपा की अक्सरियत है। और बिहार का चुनाव स्वयं एक बात प्रमाण करता है कि जब मोदी है तो मुमकिन है। तो हम सारे सीटें हम जो लड़ा सब चुनाव जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। योगी और मोदी जी का जो नेतृत्व और अमित शाह का जो संगठन का नेतृत्व है उसके हिसाब से हम सारे चुनाव जीतेंगे। जो दिल्ली में किसानों का धरना चल रहा है और एक बातचीत का मामला भी सामने आया है किसानों का और सरकार के साथ में मतलब एक मीटिंग हो रही, तो ऐसे में क्या कोई मतलब नुकसान तो नहीं होगा कि हाँ आने वाले समय में जो है किसानों का प्रदर्शन किया जा रहा पूरे देश में और दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं किसान? किसान देवता है और अन्नदाता है। किसान कम है वहाँ, वहाँ कांग्रेसी नेता बहुत हैं। किसान के नाम पर वहाँ राजनीति की जा रही है, बाकी किसान कहीं आंदोलन में नहीं है।